दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप मटन निहारी अपने घर पे अपने ही घर के मसालों से कैसे बना सकते हैं। जो भी हमारे किचन में मसाले होते हैं अवेलेबल, हम उसी मसालों से बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके जो है किचन में अवेलेबल होंगे, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं होगा कि आपको जो ढूंढना पड़े। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बताऊंगा कि आप जो है मसाला किस तरीके से बना करके स्टोर कर सकते हैं और उसी मसाले से अपने घर पे निहारी इंस्टेंट बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सऊद जमनाना और आपका स्वागत है पकाओ पुरखाओ में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें साबुत मसालों के अंदर लेना है जावित्री का फूल, बादियान का फूल और यह है दारचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची जाएगी इसके अंदर, जायफल का एक पीस जाएगा और ये ली है मैंने पीपली। पीपली जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये काली मिर्चों का काम करती है, सौंफ जाएगी, जीरा जाएगा और काली मिर्चें जाएंगी। और जो पिसे हुए मसाले हैं, धनिया जाएगा इसके अंदर, कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी और जो हमारी नॉर्मल लाल मिर्च होती है तेज़ वाली वो जाएगी, हल्दी जाएगी और नमक जाएगा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सौंठ का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर। अगर आप चाहें तो ये साबुत मसाले जो हैं हल्का सा टोस्ट करके और इन सभी मसालों को अच्छे से पीस लें। तो देखिए हमारा जो निहारी का मसाला है ये अच्छे से पिस के तैयार है। अगर आप चाहें तो उसको जो है स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होता है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के किसी शीशे के जार में डाल करके इसको रख सकते हैं, ये काफ़ी हफ्ते काफ़ी महीनों तक भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं निहारी कैसे बनती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने मटन लिया है तकरीबन 1.25 किलो के आसपास, यानी कि 1250 ग्राम या 1300 ग्राम के आसपास है ये। और यहाँ पे मैंने बोंग के पीसेस ज़्यादा लिए हैं और बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं। इसके अंदर नलियों के पीसेस जो है वो भी मैंने लिए हैं क्योंकि नली से जो स्टॉक बनता है ना उससे बड़े गज़ब का जो है टेस्ट आता है निहारी के अंदर। अब देखिए कुकर के अंदर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 200 से 250 ml ऑयल। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, अगर आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। इसको हमने हाई फ्लेम पे गरम करके इसके अंदर डालनी है एक बड़े साइज़ की प्याज। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है ना प्याज को बाद में डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले डाली है और इसको अच्छे से हमने ब्राउन कर लेना है। जैसे ही इस स्टेज पर आ जाएगी हमने फ़ौरन इसके अंदर अपना मटन ऐड कर देना है। मटन डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हमने अच्छे से भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ये जब तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे निहारी का मसाला। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे जो मसाला लिया है ना ये 60 ग्राम लिया है, क्योंकि हमने जितना मसाला जितनी क्वांटिटी हमने जो है पीसी है वो तकरीबन 2.5 किलो से 3 किलो तक हम इसकी निहारी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तोल के 60 ग्राम लिया है मसाला। अब इसके साथ भी हमने इसको मटन को अच्छे से भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी हमने इतना लेना है कि जो हमारा मटन है वो सारा इसके अंदर डूब जाए, क्योंकि अब हमने इसको जो है अच्छे से गलाना है। तो देखिए तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के आसपास हमारा पानी लगेगा इसके अंदर। अब इसको हमने कवर करके तकरीबन 2 सीटी लगानी है हाई फ्लेम पे। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, या जब तक कि मटन अच्छे से गल ना जाए। अब जब आप इसका जो है कवर हटा के देखेंगे तो इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आएगी, क्योंकि जो हमने घर के मसाले बनाए ना ये बड़े गज़ब के जो है नारी बनती है घर के मसालों से। अब एक बारी हमने जो है मटन को चेक कर लेना है कि मटन गला है नहीं गला। तो देखिए हमारा जो मटन है वो बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब जो हमने इसका जो तार है वो सारा उतार लेना है ताकि आगे चल के हमें दिक्कत ना हो। ये सारा तार हमें एक बोल के अंदर रख लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला था। अब इसके अंदर जाएगी सिलरी, हल्का सा जो है नमक को हम मिक्स कर लेंगे। ये सिलरी मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून जो है गेहूं का आटा लेकर के इसकी गाढ़ी सिलरी बना ली थी पानी डाल के। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से गाढ़ी हो सके। बहुत सारे लोग इसके अंदर भुने चने का आटा डालते हैं, लेकिन हम जो है घर के अंदर रखा हुआ होता आटा, इसलिए हमने आटे का इस्तेमाल करा है, बहुत सारे लोगों के घर में होता नहीं है। अब इसको हमने लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पका लेना है कवर करके। उसके बाद जब आप इसका कवर हटाएंगे तो देखिए हमारी मटन नहारी बन के तैयार है, एकदम वही रेस्टोरेंट स्टाइल और देखने में भी बड़े गजब की लग रही है। तो देर किस बात की, जल्दी से कर लेते हैं सर्व। ऊपर से इसको गार्निश करेंगे अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ और नींबू के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको बनाइए और इन्जॉय करिए।